यानी कि इक्विपमेंट्स का यूज करते हैं जिसमें हम लोग कुछ ऐसे करेंट्स देते हैं जिससे मसल्स को रिकॉल करते हैं कि हाँ मेरे को काम है उसको एनर्जी रिक्वायर्ड होती है एक क्रेंट रिक्वायर्ड होती है कोई भी इंसान है कोई खुशी हंसी खुशी तो नहीं कहता कि जी हाँ मेरी सर्जरी कर दे मेरा ऑपरेशन कर दे, दे ऐसा कुछ नहीं होता मोस्टली क्या होता है सर्जरी के बाद उसकी मूवमेंट को हम लोग खत्म कर देते हैं कुछ पी ओ पी लगा देते होते हैं तो वो मूवमेंट ख़त्म हो जाती है मोबिलिटी का मतलब होता है हरकत ज़्यादा से ज़्यादा हरकत की जा सके इसमें हम लोग क्या करते हैं एक्टिव एक्सरसाइजेस करवाते हैं ताकि ये अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सके स्ट्रैथनिंग एक्सरसाइजेस करवाते हैं स्ट्रोक पेशेंट्स होते हैं जिनको हार्ट का मसला होता है उनके अंदर हम लोग मूवमेंट करवाते हैं उनकी एक इम्बेलेंस हो जाता है उनसे प्रॉपर्ली काम नहीं हो पाता फिटीक हो जाते हैं स्ट्रेसफुल हो जाते हैं स्पोर्ट्स होते हैं वूमेन होती हैं आ, वो क्या करती हैं अक्सर उनके साथ ये होता है कि फ्रैक्चर्स का फ्रैक्चर फैक्टर आ, आ जाता है कोई फ्रैक्चर हो जाता है स्प्रेन आ जाता है यानी कि खिंचाव आ जाता है बल पड़ जाता है पोस्टर जो होते हैं हमारे खड़े होने का बैठने का लेटने का उठने का जिस तरह के हमारे पास जो सारे किस्म के जो पोस्टर्स हैं उनको अच्छे तरीके से परफॉर्म करना उसको मेंटेन लेकर चलना जैसे कि जब एज गुजरने के साथ साथ हड्डियाँ खुरने लग जाती हैं जैसे कहते हैं प्रोसेस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है जैसे आर्थराइटिस का स्टार्ट हो जाता है यानी कि जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है मैनेज हम लोग करते हैं डायबेटिक पेशेंट्स को Uh, हमारे जो वेस्कुलर रिलेटेड जो हमारे प्रॉब्लम्स होती हैं डिजीज होती हैं उसको भी हम लोग लेकर चलते हैं हार्ट से रिलेटेड है, दिल से रिलेटेड है और उसके बाद वो वाले दिल की बात नहीं है कोई वो दूसरी ये कहेंगे कि दिल का मामला वो वाली बात नहीं प्रेगनेंसी के दौरान प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारे मोड स्विंग्स होते हैं बॉडी की फिजिकली चेंजिंग आ रही होती है इमोशनली चेंजिंग आ रही होती है असल मैं जरब डॉक्टर हिंदा अहमद आज का जो मेरा मेन टॉपिक है ये है कि फ़िज़िकल थेरेपी बेनिफिट क्यों है यानी कि इसके क्या फ़ायदे हैं क्या क्या हम लोग इसे फ़ायदे हासिल कर सकते हैं कितना बेनिफिशियल क्यों सबसे पहले तो हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि फिजियोथेरापिस के पास जाना ही क्यों ज़रूरी है फ़िज़िकल थेरेपी ज़रूरी क्यों है कि आजकल हम लोग कंडीशन देखते हैं कि मेडिकल कंडीशंस के साथ सफ़र uh, कर रहे होते हैं कुछ पेशेंट्स कुछ लोग जो उनसे है वो इलनेस का शिकार होते हैं कुछ का क्या होता है मसला कोई इंजरी आ जाती है कहीं के मसल्स काम नहीं करते कहीं के मीन्स uh, के हम लोग काफ़ी सारे जो फंक्शनिंग हमारे नॉर्मल फंक्शनिंग हो रही होती है बॉडी की वो प्रॉपरली तरीके से वर्क नहीं कर पा रही होती तो उसको हैंडल करने के लिए उसको प्रॉपरली तरीके से वर्क करवाने के लिए हम लोग फिज़्योथेरापस्ट के पास जाते हैं मेनली जो पेशेंट्स होते हैं मुझे जैसे, आप जैसे डेफिनेटली एक खामे ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है हमारे बॉडी को रिक्वायरमेंट है कि हम लोगों तो ने ये काम करना है तो फिजिथेरापस्ट के पास जाना मेन मकसद क्या होता है फिजियोथेरापस्ट का मेन मकस, मकसद क्या होता है कि आपकी जो प्रायोरिटी लेवल पे जो हम लोग काम कर रहे होते हैं पहले उसको वहाँ तक लेकर आना फिर उसके बाद उसको एक्टिवली परफॉर्म करवाना यानी कि एबनॉर्मेलिटी एबनॉर्मेलिटी का मतलब ये होता है कि कोई इलनेस आ रही है कोई प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रहा फंक्शनिंग नहीं हो रही तो वो क्या करेंगे एब से एब से नॉर्मल की तरफ लेकर आएंगे फिजिथेरापिस्ट और उसके बाद नॉर्मल से एक्टिव की तरफ लेकर आएंगे हमारा मेन मकसद ये होता है फिजोथेरापिस्ट का मेन मकसद ये होता है और ये आप लोगों के लिए बेनिफिट होता है कि हम लोग इसको कैसे लेकर चलेंगे ठीक है कुछ गाइडेंस होती है कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं कुछ एक अच्छे तरीके से दोनों की कंपैटिबिलिटी के साथ हम लोग चलेंगे पेशेंट की और फिजियोथेरेपिस्ट की तब जाकर हम लोगों को उस रिजल्ट मिलता है बेसिकली इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं बहुत सारे हम लोग कहने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं जो हम लोगों को मिलते हैं लेकिन जो मेन फ़ायदे जिससे नज़र आते हैं जो हमें आउटकम मिलता है इससे वो हम कुछ हो रहा है वो ये है सबसे पहले वो कुछ है जो मैं आपसे आज डिस्कस भी करूँगी सबसे मेन क्या है कि डिक्रीज पेन या फिर वो एलिमिनेट द पेन ठीक है मेन हमारा क्या मकसद होता है कि जो पेन हो रही होती है जो सफ़र कर रहा होता है पेशेंट जैसे आप लोगों के जो आ, कोई भी पेन है अगर फेस कर रहे हैं तो उसको ओवरकम करता है उसको कम करने की कोशिश करता है और उसके बाद साथ, -साथ एलिमिनेट यानी कि ख़त्म करने की भी कोशिश करता है हमारा मेन टारगेट जो फिजियोथेरेपिस्ट का जो टारगेट होता है पेशेंट के लिए वो ये होता है कि वो एलिमिनेट हो जाए लेकिन कुछ ऐसी इंजरीज होती हैं कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो प्रॉपरली एलिमिनेट नहीं होते लेकिन कुछ कम हो सकते हैं कि आप नॉर्मल जिंदगी की तरफ आप आ सकते हैं उसमें कुछ एक्सरसाइजेज़ होती हैं जैसे कि मैनुअल थेरेपी होती है यानी कि हम लोग खुद एक्सरसाइजेस करवा रहे होते हैं फिजोथेरापिस्ट एक्सरसाइजेस करवाता है पेशेंट की एक अच्छे तरीके से दूसरा होता है सॉफ्ट टिशूज़ या मोबलाइजेस यानी कि जॉइंट मोबलाइजेशन यानी कि उनके हम लोग मूवमेंट करवाते हैं सॉफ्ट ईशूज सॉफ्ट टिश्यूज़ की मूवमेंट करवाते हैं और उसके साथ साथ जॉइंट्स के भी मूवमेंट करवाते हैं मैनअली खुद अपने हाथों से ठीक है ताकि फिर एकदम से झटका भी देने की बात होती है कि हम लोग एक झटका देते हैं ताकि उस मुसल को रिकॉल हो जाए कि मेरा ये काम है फिर उसके बाद एक्सरसाइज करवाते हैं कि वो पेन जो उनसे वो कम होती चली जाए तीसरा हम लोग इसके अंदर यूज़ क्या करते हैं मोडालिटीज का इस्तेमाल करते हैं यानी कि इक्विपमेंट्स का यूज़ करते हैं जिसमें हम लोग कुछ ऐसे करेंट्स देते हैं जिससे मसल्स को रिकॉल करते हैं कि हाँ मेरे को काम है उसको एनर्जी रिक्वायर्ड होती है एक करंट रिक्वायर्ड होती है जिस तरह फ़ोन चार्ज करने के लिए करंट की रिक्वायरमेंट होती है इसी तरह मसल्स को चार्ज करने के लिए भी करंट की रिक्वायरमेंट कभी कभी महसूस होती है तो हम लोग कुछ मोडाइल यूज़ करके हम लोग उसको देते हैं फिजियोथेरापिस्ट उनको मसल्स को देता है और वो आगे से परफॉर्म करते हैं एक्टिवली जो दूसरा पॉइंट हमारे पास आता है वो आता है अवॉइड सर्जरी अवॉइड सर्जरी का मतलब क्या है सर्जरी से बचना कोई भी इंसान है कोई हंसी खुशी तो नहीं कहता कि जी हाँ मेरी सर्जरी कर दे मेरा ऑपरेशन कर दे ऐसा कुछ नहीं होता तो करना क्या होता है एक होती है प्री आ, सर्जरी थेरेपी और एक होती है पोस्ट सर्जरी थेरेपी प्री सर्जरी प्री का मतलब होता है पहले पोस्ट का मतलब होता है बाद में अब प्री सर्जरी थेरेपी ऐसी थेरेपी जो सर्जरी से पहले अप्लाई की जाती है ताकि सर्जरी की जरूरत न पड़े तो उस वक्त हम लोग क्या करेंगे कुछ एक्सरसाइज करवाते हैं हम लोग सारी के सारी एक पूरा चार्ट बनता है पूरे तरीके से हम लोग लेकर चल रहे थे फिर उसके बाद वो उसके ऊपर अप्लाई करते हैं और फिर हमें रिज़ल्ट मिलना स्टार्ट होते हैं और अगर अच्छे तरीके से हमें रिज़ल्ट मिल जाते हैं कि फिर सर्जरी की हमें ज़रूरत नहीं होती तो फिर हम लोग नहीं करते उसके बाद आ जाते हैं पोस्ट सर्जरी की तरफ पोस्ट सर्जरी क्या होती है सर्जरी के बाद की जो एक्सरसाइज होती हैं मोस्टली क्या होता है सर्जरी के बाद उसकी मूवमेंट को हम लोग ख़त्म कर देते हैं कुछ पी ओ पी लगा देते होते हैं तो वो मूवमेंट ख़त्म हो जाती है फिर उसको दोबारा जब हम लोग मूवमेंट करते हैं किसी भी जॉइंट की किसी भी सॉफ्ट टिश्यू की तो वो पेन क्रिएट करता है तो उस पेन को ओवरकम uh, करने के लिए उसको कम करने के लिए नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ लेकर आने के लिए कि वो प्रॉपर्ली मूव कर सके फिर एक्सरसाइजेस करवाए जाते हैं आगे आ जाते हैं हमारे पास थर्ड जो ऑप्शन आता है कि वो इंक्रीज़ मोबिलिटी मोबिलिटी का मतलब होता है हरकत ज़्यादा से ज़्यादा हरकत की जा सके इसमें हम लोग क्या करते हैं एक्टिव एक्सरसाइजेस करवाते हैं ताकि ये अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सके स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करवाते हैं ताकि वो जो एक नॉर्मल जो नॉर्मल लेवल से अगर कम मूवमेंट हो रही है मसल की उसको नॉर्मल लेवल तक लेकर आना और नॉर्मल से फिर एक्टिव की तरफ लेकर आना फिर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं डिफरेंट एक्सरसाइजेस करवाई जाती है मैनोथेरापी करवाई जाती है इवन कि मैक्सिमम मैक्सिमम हम लोग ये कोशिश करते हैं फिजिथेरापीज कोशिश करता है कि उसको या उसके पहले की जो मूवमेंट होती है वो वो तो एटलीस्ट लेकर आ सकें फिर उसके बाद हम लोग दूसरी एक्टिव की तरफ लेकर आते हैं कि ताकि उनका लाइफ स्टाइल चेंज हो जाए और अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें हमारे पास जो अगला फ़ायदा आता है वो ये है कि प्रिवेंट फ्राम स्ट्रोक जिसको स्ट्रोक पेशेंट्स होते हैं जिनको हार्ट का मसला होता है उनके अंदर हम लोग मूवमेंट करवाते हैं उनकी एक इम्बेलेंस हो जाता है उनसे प्रॉपरली काम नहीं हो पाता फिटीक हो जाते हैं स्ट्रेसफुल हो जाते हैं, हैं। उनके फिर हम लोग इस तरह की थेरेपी करते हैं कि एक तो मैंटली भी चलती रहे उनकी थेरेपी होती रहेगी वो नॉर्मल अपनी लाइफ में आए वापस फिर उसके बाद उनको मोबिलिटी भी करवाई जाती है यानी कि एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं कोई मैनअली करवाई जाती है स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करवाई जाती, जाती हैं ताकि वो अपने नॉर्मल रूटीन में आ सके और एक्टिवली परफॉर्म कर किसी पर डिपेंडेंट ना हो सके अगला हमारे पास जो आता है वो आता है प्रिवेंट फ्रॉम स्पोर्ट्स इंजरी ऐसे जो होते हैं स्पोर्ट्स होते हैं वूमेन होती हैं वो क्या करती हैं? अक्सर उनके साथ ये होता है कि फ्रैक्चर्स का फ्रैक्चर फैक्टर आ, आ जाता है कोई फ्रैक्चर हो जाता है स्प्रेन आ जाता है यानी कि खिंचाव आ जाता है बल पड़ जाता है इस तरह के जो होते इस तरह के जो इन्नेस हमारे पास आती है जो मेडिकल कंडीशन हमारे पास आती है फिजियोथेरापिस के पास तो फिर एज अ पेशेंट हम लोग उनको पूरा एक, एक जायज़ा लेते हैं उनका एक प्रोग्राम बनाते हैं ताकि एक तो प्रिवेंट किया जा सके और उसको रिलीज़ किया जा सके इस पेन से जितनी जल्दी रिलीज़ हो सके सो so दैट कि वो अपने नॉर्मली स्पोर्ट्स में जा सके और अपना काम परफॉर्म कर सके अपना खेल सके और हमारा नाम भी रोशन कर सके हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन जो आता है जो आप समझ लें नेक्स्ट आउटपुट जो हमारे पास आता है वो होता है इंक्रीज बैलेंस बैलेंस को करता है कि मेंटेन करता है हमारे खड़े होने का पोस्टर्स जो होते हैं हमारे खड़े होने का बैठने का लेटने का उठने का जिस तरह के हमारे पास जो सारे किस्म के जो पोस्टर्स हैं उनको अच्छे तरीके से परफॉर्म करना उसको मेंटेन लेकर चलना और उसको बचाना ठीक है कि वहाँ पर मेंटेन ही रहे अगर किसी के खड़ा नहीं प्रॉपर तरीके से होता एक तरफ से झुका हुआ है उसको उसको वापस ले कर आना और फिर उसके बाद उसको एक अच्छे तरीके से एक नॉर्मल लेवल से नॉर्मल लेवल तक ले कर आना और फिर उसके बाद एक्टिवली परफॉर्म करवा देना यानी कि अच्छे तरीके से ताकि वो हेल्दी लाइफ स्टाइल से गुजार सके उसके लिए फिर हम लोग ये करवाते हैं कुछ प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं हर किसी का गेट देखा जाता है गेट का मतलब क्या होता है मूवमेंट देखी जाती है उसको थोड़ा सा चला के देखा जाता है फिर एनालिसिस किया जाता है अगर आप में से कोई चलता है कि चल रहा है लड़खड़ा के चल रहा है या सहारा लेकर चल रहा है तो फिजियोथेरेपिस्ट पहले तो एनालिसिस करता है उसे चला के उसको फिर स्कैन करता है फिर उसके बाद देखता है कि हाँ इसके अकॉर्डिंगली फिर हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं एक्सरसाइज प्लान करते हैं फिर उनको उनके मुताबिक लेकर चलते हैं सो दैट जितने कम टाइम में हमारी कोशिश जो होती है फिजिथेरापिस की कोशिश ही ये होती है कि थोड़े टाइम में हमें रिज़ल्ट अच्छा मिल जाए और वो तभी हो सकता है आपस की कोऑर्डिनेशन के साथ कंपैटिबिलिटी के साथ ये कहें कि जी सिर्फ फिजिथेरेपिस में लगा रहे और वो होता रहे ऐसा भी नहीं है और ना ही ये भी होता है कि पेशेंट सिर्फ लगा रहे लगा रहे और फिजियोथेरेपिस के ऊपर कोई ध्यान ही ना दे कोई उसको गाइड ही ना करे उसको अवेयरनेस ही ना दे तो फिर ना रिजल्ट मिलता है उल्टा नुकसान ही होता है दोनों साइड से फिर अगले हमारे पास आता है मैन मैनेज एज रिलेटेड जो मई डिज़ीज़ होती हैं जैसे कि जब एज गुजरने के साथ साथ हड्डियाँ खुरने लग जाती हैं जैसे कहते हैं औस्ट्रोट ऑस्टिप्रोसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है जैसे आर्थराइटिस का स्टार्ट हो जाता है यानी कि जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है ऐसे कई फैक्टर्स होते हैं जोड़ों के दर्द के कोई एक नहीं होता काफ़ी फैक्टर्स होते हैं उसको लेकर चलना फिर उसको हम लोग मैनेज करते हैं उसको हम लोग देखते हैं ताकि वो जो पेन वो आ, फेस करें उनको नॉर्मली इसके साथ साथ सिर्फ और सिर्फ फिजियोथेरेपस्ट नहीं काम आते लेकिन फिजियोथेरेपिस्ट के साथ साथ ये भी बताना होता है आपने अपनी लाइफ स्टाइल को कैसे लेकर चलना है हेल्दी कैसे चलना है ये सिर्फ और सिर्फ आप एक्सरसाइज करवाएं और साथ डाइट ही नहीं, नहीं सही तरीके से लेंगे तो फिर कैसे आप उसको प्रॉपरली जो हड्डियाँ एज रिलेटेड जो फैक्टर्स आ रहे हैं उसको कैसे तरीके से लेकर चलें कैसे उसको मैनेज कर सके बेहतर कर सके तो इसके एग्जाम्पल बेस्ट एग्ज़ैम्पल्स तो बाहर वाले लोग हैं ही हैं ठीक है लेकिन आजकल भी थोड़ी बहुत अवेयरनेस आ रही है और इस चीज़ को वो कर भी रहे हैं कि कौ? देख रहे हैं कि हाँ जी ये करना चाहिए उसमें ये होता है कि डाइट को भी प्रॉपरली तरीके से लेकर चल रहे होते हैं उसके साथ साथ वो एक्सरसाइज को लेकर चल रहे हैं ताकि लाइफ स्पैन जो है ना जितना गलत हमारी डाइट होगी जितने जितना गलत हमारी डाइट होगी जितना गलत हम लोग एक्सरसाइजेस करेंगे अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं करेंगे उतना ज़्यादा हम लोगों की एज भी कम होती चली जाती है ठीक है तो हमारी डाइट को भी साथ साथ देखना पड़ता है नेक्स्ट जो होता है मैनेज हम लोग करते हैं डायबिटिक पेशेंट्स को आ, हमारे जो वेस्कुलर रिलेटेड जो हमारे प्रॉब्लम्स होती हैं डिजीज़ होती हैं उसको भी हम लोग लेकर चलते हैं उसमें ये होता है डायबिटिक जो पेशेंट्स होते हैं हम कुछ एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं ताकि जो उनका ब्लड शुगर जो है वो मेंटेन रहे ऐसे एक्सरसाइजिज बताई जाती हैं ब्लड रिलेटेड जो प्रेशर्स होते हैं ब्लड प्रेशर का कम्प्रोमाइज़ हो रहा होता है उसको प्रॉपरली तरीके से मेंटेन करते हैं उसके अलावा जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उसमें होता ही है कि उनके फीड का इशू आता है एक तो स्वेल होना शुरू हो जाते हैं ठीक है ठीके? उसके बाद अलावा और बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं उनसे चला नहीं जाता उनके जॉइंट्स में पेन होना स्टार्ट हो जाती है तो उनके फीट को हम लोग देखते हैं कि आपने फीट को कैसे रखना है यानी कि पाओं को जो खराब हो जाते हैं वो चल नहीं पाते सही तरीके से तो पाओ की मूवमेंट कैसी होनी चाहिए पोजिशन कैसी होनी चाहिए वो हम लोग गाइड करते हैं वो पेशेंट टू तो पेशेंट मेरी कर रहा होता है अगला हमारे पास आता है मैनेज हार्ट एंड लंग डिजीजेस ऐसे डिजीजेस जो हार्ट से रिलेटेड है दिल से रिलेटेड है और उसके बाद वो वाले दिल की बात नहीं है कोई वो दूसरी ये कहें कि दिल का मामला वो वाली बात नहीं लेकिन जनवनी जो हार्ट के जो मसल्स होते हैं वो अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे अपना ब्लड को फ्लो नहीं कर पा रहे लंग है लंग्स अपना काम नहीं परफॉर्म कर रही है वो सांस में लेने में प्रॉब्लम हो रही है मुश्किल होती है उसको ठीक करते हैं हम लोग कार्डियक रिहेबिलटेशन का एक जो प्रोसेस होता है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं कार्डियक पेशेंट्स के साथ यानी कि जो हार्ट वालों के साथ है वो एक पूरा प्रोग्राम होता है वो डिस्कस किया जाता है और ये पेशेंट टू पेशेंट एज रिजल्ट वेरी करता है इसी तरह लंग्स के रिलेटेड है पलमोनरी रिहेबलीटेशन होती है उसमें क्या करते हैं हम लोग पेशेंट्स के साथ डिस्कस करते हैं उनको एरोबिक एक्सरसाइजेस जो वो मेनली प्रेफर कर रहे होते हैं कि आप ये करें सो so दैट जो आप और इवन के साथ साथ योगा योगा का भी हम लोग इसका इफेक्ट डालते हैं ताकि ऐसी एक्सरसाइजेस ऐसी पोजिशन बनाई जाती हैं कि वो अपनी जो लंग्स की जो प्रॉब्लम है वो ओवरकम हो सके हमारा अगला जो मेन चीज़ आती है ये बहुत कम होती है और ये कुछ लोग इस चीज़ के ऊपर अवेयरनेस नहीं होती और इस चीज़ को वो अवॉइड कर जाते हैं इसको समझ लें कि इसके इग्नोर कर देते होते हैं और इसकी अवेयरनेस भी नहीं है और लोग इसको ना कैजुअली ले रहे होते हैं मैं इस पर फोकस भी करूँगी ज़रूर ये वुमेन रिलेटेड जो डिजीज़ होती हैं उनकी तरफ मैं इशारा कर रही हूँ उसमें ये होता है प्रेगनेंसी के दौरान प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारे मोड स्विंग्स होते हैं बॉडी कि फ़िज़िकली चेंजिंग आ रही होती है इमोशनली चेंजिंग आ रही होती है इवन कि मेंटली आ रही होती है हर जगह से उसको चेंजिंग अगर फेस कर रही है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो उस वक़्त कौन सी एक्सरसाइजेज़ प्रेफर की जाए क्या क्या चीज़ें होंगी कि हम लोग उसकी डाइट कैसी होनी चाहिए एक्सरसाइज कैसी होनी चाहिए क्या क्या टाइम होना चाहिए किस तरह उसको लेकर चलना चाहिए उस सारे के सारे डिस्कस की जाती है इसके सो दैट बेबी एंड मदर बोज जो उनसे वो ठीक तरीके से काम परफॉर्म कर सके, यानी कि कह सकते हैं कि मदर ऑफ बेबी जो उनसे वो प्रॉपर तरीके से um, अपनी uh, ग्रोथ कर सके और यानी कि ना ही बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो और ना ही मदर को कोई प्रॉब्लम हो इसके अलावा एक और जो फैक्टर आता है और जिसको ज़्यादा से ज़्यादा इग्नोर किया जाता है वो पोस्ट पार्टम है ठीक है पोस्ट पार्टम जो उनसे हमारी कह लें कि केयर होती है पोस्ट पार्टम केयर उसके अंदर Uh, होता क्या है मूड स्विंग्स आते हैं पोस्टमार्टम होता क्या है बेबी uh, को बर्थ देने के बाद जो मदर के अंदर जो चेंजिंग्स आती हैं फिजिकली चेंजिंग आती है मूड स्विंग्स है, होते हैं और इवन के ए टू जी आपके बॉडी नॉर्मल कंडीशन में आती है ये कोई uh, छोटी बात तो हो नहीं ये अच्छी खास बड़ी बात है उसको नॉर्मली लेकर आना मूड स्विंग्स को मैनेज कैसे करना एंगर है यानी कि गुस्सा आ जाता है उसको कैसे मैनेज करना है फिज़िकली अनफिट है हो जाती हैं उसको कैसे मैनेज करना है उसके बाद कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें उनको पेन महसूस होती है आइदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की तरफ मैं इशारा करो इवन कि उस सर से लेकर पाँव तक कोई ना कोई आपको वो पेन जो हो रही होती है फेस कर रही होती है मदर मतलब उनको मैं टारगेट भी करूँगी कि वो इस चीज़ को देखें और फिजिथेरापिस के पास ज़रूर जाए सो डैट आप जो अगर ये चीज़ें फ़ेस कर रही हैं इसको ओवरकम किया जा जा सके मेनली जो आफ्टर थ्री मंथ्स बेबी के बर्थ के बाद के जो तीन मंथ होते हैं वो ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं उसी के अंदर ही ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना पड़ता है अपनी बॉडी के साथ इवन के इसके साथ साथ और भी बहुत सारी कंडीशंस हैं बॉल बो, इनकनवीनियंस है यानी कि कॉन्स्टिपेशन का भी फैक्टर बीच में आ जाता है एनल है यानी कि हमारी रिप्रोडक्टिव जो हमारे सारे ऑर्गन्स होते हैं मदर के वो सारा इफेक्टिव हुए होते हैं उनको प्रॉपरली तरीके से लेकर आना फिब्रोमाइलजिया यानी कि स्ट्रेस हो जाना लेज़ीनेस आ जाना यानी कि ऐसे कई कंडीशन आ जाते हैं उनको फ़ेस करनी पड़ती हैं मदर को लेकिन इस इसको को कोई देखता नहीं है ना इसको यानी कि इग्नोर करता है और जिसकी वजह से बहुत सारे नुकसान फ़ेस करने पड़ते हैं इधर वो मेंटली हो तो वो फिज़िकली हो तो इस चीज़ को कम करने के लिए मैंने ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि गिविंग आफ्टर गिविंग बर्थ टू द बेबी आप ज़रूर ज़रूर फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाया करें उनकी क्लिनिक जाए उनसे बात करें उनसे सारी की सारी अपनी सिचुएशन डिस्कस करें हिस्ट्री दें सो so दैट कि आपको वो अच्छे तरीके से एक पूरा प्लान बना के दे एक एक्सरसाइज प्लान बना कर दे आपसे एक सेशंस लें ताकि आप एक नॉर्मल और हेल्दी लाइफ गुजार सकें सो so, होप आपको अच्छा लगा होगा कुछ समझ आई भी होगी कुछ आपको इससे फ़ायदा भी मिला होगा तो अगली वीडियो के लिए मैं दोबारा हाजिर होंगी इंशाल्लाह तब तक के लिए अपना और अपने पैरों का ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़